या तीखा है, चटपटा है, कैसा है? चले। कौन सी वाली इडली बना रहे हो? कुछ स्पेशल इडली है। मौर्या, मंगल मूर्ति मौर्या। तो फ्रेंड्स, आज गणपति को हम लगाएंगे भोग इडली का। तो बनाने जा रहे हैं आज बहुत ही आसान तरीके से इडली, और वो भी सूजी वाली, जो बहुत जल्दी से बन जाएगी और कहीं भी हम पैक करके ले जा सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं। बहुत टेस्टी लगेगी और आसानी से कैरी कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया है कि तुरंत तुरंत फटाफट बन जाती है। जैसे चावल वाली इडली के लिए तो बहुत ज़्यादा ताम झाम करना पड़ता है, या फिर जो आजकल तो मिक्सर आ रहा है तो उसमें भी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन जो ये सूजी वाली है ना, मस्त इडली बनती है टेस्ट में भी, और फटाफट बन जाती है। घर में हमारे रहती है सूजी, तो मैं ऐसे सूजी रखती हूँ क्योंकि सूजी से ना बहुत सारे आइटम बन जाते हैं, और वो भी फटाफट। जब भी कोई अच्छा सा नाश्ता चाहिए होता है या भूख लग रही होती है दिन में भी, तो जैसे उपमा बना लिया या सूजी से थोड़ा सा हलवा बना लिया, और भी जैसे दही बल्ले भी बन जाते हैं। एक दिन गणपति का दही बल्ले का भी भोग लगाएंगे, और आज बना रहे हैं इडली क्योंकि कल गणपति जी ने मीठा खाया था, तो कभी मीठा कभी तीखा कभी मीठा, ऐसे गणपति जी को भोग लगाते रहना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए। कि जैसे हमें चटपटा अलग अलग चीज़ें चाहिए, तो ऐसे गणपति जी को भी। वैसे भी बेचारे अब जाने वाले, मानो उदास सा लग रहा है कि भैया कई दिन ना आदत हो जाती है ना इस रूटीन की, तो जैसे मेहमान जाते हैं ना तो तब लगता है ना सेम ऐसे लग, अभी मुझे फील होने लग गया कि अभी बेचारे हाँ जाएंगे, और मेरा रूटीन इस बहाने ना काफ़ी अच्छा रूटीन रहता है। सुबह फटाफट उठते हैं, फिर फटाफट काम करके पूजा पाठ, और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश है कि उनको तो रोज़ बन अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, पकवान मिल रहे हैं, मिठाई मिल रही है। तो आज बनाते हैं इडली फटाफट, और फिर भगवान जी को भोग लगाएंगे। और कैसी गणपति जी आपके लिए? आधे घंटे पहले मैंने सूजी और दही को मिक्स करके भिगो के रख दिया था, तो इस तरह एक गाढ़ा गाढ़ा हो गया। अब इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। सूजी लेनी है 1/2 किलो, और दही लेना है 1 कप। तो इस तरह थोड़ा सा गाढ़ा रहता है ना, तो इसको थोड़ा पतला करना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा तेल डालना है ताकि ना ये चिपके ना। मेरे पास है ये माइक्रोवेव का, ये जो सिस्टम है ना सारा माइक्रोवेव का है, मैं माइक्रोवेव में बना रही हूँ। तो इसमें पानी डालना पड़ता है थोड़ा सा, एक जाली होती है ये लगानी पड़ती है, और ये जो सांचे से हैं सूजी के, 4 और 4 8 इडली बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे माइक्रोवेव में टाइम सेट करना पड़ता है, और ये पहले जो फर्स्ट टाइम जब बनाते हैं ना, पानी गर्म होता है तो टाइम लेता है ये, तो इसको मैं 6 या 7 मिनट पे सेट कर देती हूँ, और फिर उसके बाद तो हर 2-3 मिनट में इडली तैयार हो जाती है। तो अगर इस तरह बनाने वाले हो ना तो गर्म बहुत होता है ये, तो ध्यान रखना। और इस तरह मतलब जैसे तेल डालते हैं ना, तो ये आसानी से निकल जाता है, तेल डालने का यही फ़ायदा होता है। तेल डालो, घी डालो या फिर रिफाइंड डालो। और इसमें ना हम और भी काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे बारीक बारीक काट के किशमिश डाल दो, काजू बादाम ये सब भी डाल सकते हैं, और इसमें हरी हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी, अगर किसी को थोड़ा सा तीखा पसंद है। पर हम इसको बाद में स्पाइसी करेंगे, तो इसीलिए हमने बनाई है प्लेन। और एक तरफ हमारी इडली बन रही है, और मैंने यहाँ पर इडली को पीस में काटना शुरू कर दिया, क्योंकि हम सिंपल इडली तो बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं कुछ अलग इडली, तो इनको काट लेना है आपको, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो ये बारीक 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 नहीं, मतलब 4-5 पीस काट लेने हैं एक इडली में से। ये देखो कितने बढ़िया कटे हुए हैं ना, और बिल्कुल इतनी सॉफ्ट है, तेल जो डाला है ना उसी की वजह से बड़ा ना चिपक रही है ना कुछ है, बहुत आसान हो जाता है ये वाला काम। और अब मैंने ना साइड में देखो कर दिया है तेल और चढ़ाया है, थोड़ा सा रखा है। अब स्टार्ट होगी मैजिक वाली चीज़ें, क्योंकि अब बनने वाली है चटपटी सी इडली सी, तो मैंने इसके इडली सी मतलब इडली ही बनेगी। तो इसके लिए मैंने थोड़ी सी राई ली है, थोड़ा सा चाट मसाला लिया है, और मैंने लिया है कड़ी पत्ता। मैंने ना यहाँ पर हम डालते थे पहले पास्ता सॉस, लेकिन मैंने इसमें पास्ता सॉस इसलिए नहीं डाली क्योंकि उसमें लहसुन प्याज वगैरह हो सकती है ना, और है ही उसमें, मैंने पढ़ा भी। तो ये लहसुन प्याज तो हमारे गणपति जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो हम नहीं डालेंगे। तो मैंने ना उसके लिए मसाला डाला, चाट मसाला, तो उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया। बच्चों को पता ही नहीं चला कि पास्ता सॉस डाली है नहीं डाली है। तो हमने पहले अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद डाल दिया मैंने इडली, और अब इसको थोड़ी देर हिलाएंगे। अब इसमें डाल देंगे अपनी नमक, तो डालना ही पड़ेगा थोड़ा सा चाट मसाले में होता है, लेकिन थोड़ा सा हमें और डालना पड़ता है। और जो कलर था वो सॉस ने पूरा कर दिया, टमाटो सॉस होती है ना वो डाल दी मैंने, तो कलर अच्छा आ गया इसमें एकदम, और फ्लेवर भी। अब हमारी तैयार है गणपति जी के लिए बहुत खट्टी मीठी सी चटपटी सी इडली। मैंने अभी टेस्ट नहीं किया, अभी गणपति जी को भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद हम टेस्ट करेंगे।
गणपति जी को इडली का भोग लगने वाला है चटपटी, वो भी क्योंकि गणपति जी को चटपटा बहुत पसंद है। गणपति जी भोग लगाइए, भोग लगाओ मेरे बाबा, जी भोग लगाओ मेरे बाबा, ऐसा भोग लगाओ मेरे बाबा। तो आप बताइए कि रोशी खा के कैसा बना है, खट्टा बना है, मीठा बना है, चटपटा बना है, कैसा बना है, कैसा स्वाद आ रहा है इसमें। नमक मिर्च मैंने चखा नहीं है अभी, कैसे भी भोग से पहले चख नहीं सकते ना। आ रही है वो, खुश हो जाती है ऐसे तो, चावल का, इडली का कुछ सामान, साउथ इंडियन कुछ बना दो ना तो खुश हो जाती है। साउथ इंडियन फूड बहुत पसंद है लड़की को, तो ये टेबल भी सही कर रही हो क्योंकि फैला हुआ भी उसे पसंद नहीं है। अभी रोशू चखेगी फिर बताएगी कैसा बना है। ये रखा है प्लेट में, प्लेट इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया तो थोड़ा सा मतलब ये अच्छे से मिक्स हो गया, ये मसाला जो भी था मतलब इसमें थोड़ी सी वैसी बनानी है ना, इसमें मिक्स हो जाए, सूखी सूखी सी ना लगे, थोड़ा सा गीलापन हो इसमें, तो थोड़ा सा पानी डाल दो। एक तो इसका फेवरेट और ऊपर था इतना तरसा तरसा के। सही बता रोशू क्या है, क्या क्या चीज़ का टेस्ट आ रहा है इसमें? यही तो कमाल है, पास्ता सॉस है ही नहीं इसमें, क्योंकि पास्ता सॉस में प्याज वाज और कुछ और लहसुन भी हो सकता है, प्याज हो सकता है, इसमें है ही नहीं पास्ता सॉस, नॉर्मल सॉस। हाँ नॉर्मल सॉस डाली है और चटपटे के लिए चाट मसाला डाल दिया, हो गया बढ़िया। यार ये बढ़िया, कहीं घूमने जाने पर पैक करके नहीं है, जल्दी भी बन जावे रोशू, पराठा से तो जल्दी बन जावे, कहीं पिकनिक पे ले जा सकते हैं, कहीं पिकनिक विकनिक पे लेके जा सकते हैं, सूखा सामान चटपटा सा। जैसे चटपटा खट्टा मीठा सा बस। तो गणपति जी ने इडली का आज भोग लगाया, वो भी चटपटी वाली इडली, कल मीठा खाया था, आज चटपटा सा खाया, मतलब इसमें मिर्ची नहीं है पर खट्टापन मीठापन, खट्टा मीठा मतलब ऐसा टेस्ट आ रहा है जैसे खट्टी मीठी नमकीन होती है ना, उस तरह का टेस्ट है एकदम। तो आज का भोग गणपति जी का ये है, तो अब लगेंगे हम अपने काम में, बहुत सारा काम करना है, दोनों कमरे वमरे साफ करने हैं, ये सब क्या काम होगा, क्या क्या रहेगा। फिलहाल गणपति जी मजे ले रहे हैं अपनी प्लेट के सॉस के साथ और इडली, और ये हमारा ड्राइंग रूम हो गया साफ, सेट भी आज मैंने कर दिया, बस ये कवर बिछा। तो इडली काफ़ी पसंद करी है और अब करेंगे किचन में काम। मैं इसलिए आई हूँ आपको ये बताने के लिए कि रात के फेस का रूटीन हम लाए हैं, मुल्तानी मिट्टी ख़त्म हो रही थी, मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी है फेस के लिए, आप लगाओ उसे फेस पर। मैं मुल्तानी मिट्टी आई इतनी बड़ी बड़ी सी, उसको कूट के पीस के पाउडर बना के और फेस पे लगाओ, उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो नाइट रूटीन है ये मेरा, और हमारे बच्चे भी आजकल बहुत मुल्तानी मिट्टी लगा रहे हैं। तो स्पेशल मैं आई हूँ आपको यही कहने के लिए कि अगर आपको अपनी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रखनी है तो आप मुल्तानी मिट्टी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर बनाएं, उसको पानी में भिगोए, फेस को वॉश करें फिर मुल्तानी मिट्टी को लगाए और उसे ड्राई मत होने दो, बीच बीच में पानी का स्प्रे करो और फिर उसके बाद उसको वॉश कर लो 15 मिनट में और आप सो जाओ, अच्छी गहरी नींद लो, बढ़िया सी सुबह ग्लोइंग स्किन आपकी।